हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीके रिकैप्स में। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो फिल्म टाइम ट्रेवल की कहानी पर बेस्ड है। और कमाल की बात ये है दोस्तों, इस फिल्म को IMDb पे 7/10 की रेटिंग मिली हुई है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है दो स्पेस शिप्स की लड़ाई के साथ, जिसमें से एक स्पेस शिप में एडम नाम का एक आदमी कहीं भाग रहा होता है। एडम एक वेल क्वालिफाइड पायलट होता है जो स्पेस शिप चलाने में माहिर होता है, और उसका पीछा कर रही होती है उसी की बॉस माया सोरेन। वो एडम को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एडम उसकी एक नहीं सुनता और उसी स्पेस शिप से वर्म होल खोल देता है। दोस्तों, वर्म होल एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। वर्म होल खुलने के बाद एडम उसमें घुस जाता है और वो सीधा 2050 से 2022 में चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक छोटा लड़का स्कूल कैंपस में भाग रहा होता है और उसके पीछे दो लड़के पड़े हुए होते हैं, और वो दो लड़के उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। उसकी नाक से खून आने लग जाता है। जिस लड़के ने मार खाई होती है उसका नाम भी एडम होता है, और इस लड़ाई की वजह से एडम को सस्पेंड कर दिया जाता है। छोटा एडम एक 12 साल का बच्चा है जिसके फादर एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। एडम घर पे बॉल खेल रहा होता है तभी अपनी माँ को तैयार होके कहीं जाते हुए देखता है। वो अपनी माँ से पूछता है, मॉम आप कहाँ जा रही हो? उसकी माँ अपनी कंपनी के ही एक एम्प्लॉय डेरिक के साथ डेट पे जा रही होती है। अपनी माँ के जाने के बाद छोटा एडम गेम खेलने लग जाता है। तभी अचानक लाइट कट जाती है और उसका कुत्ता हॉकिंग भौंकने लग जाता है। एडम्स को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है और अपने डॉगी के पीछे भागता है। भागते भागते वो जंगल में एक जगह पहुंचता है जहां पर पेड़ के ऊपर से छोटी छोटी चिंगारियां गिर रही होती हैं। वो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। तभी छोटे एडम्स को अचानक समझ में आता है कि यहाँ कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपने डॉगी को लेके भागता है और अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसे अपने फादर के गैराज में कुछ आहट सुनाई देती है। वो गैराज की तरफ भागता है। गैराज के अंदर जाकर छोटा एडम उस एडम को देखता है जो स्पेस शिप से यहाँ पर आया था। एडम छोटे एडम से उसकी उम्र पूछता है। वो बताता है, मैं 12 साल का हूँ। ये सुनकर एडम थोड़ा परेशान सा हो जाता है। जैसा कि एडम को गोली लगी हुई थी और उसका खून निकल रहा था, इस वजह से वो उसके घर में चला जाता है और कुछ खून रोकने का सामान खोजने लग जाता है। वो फ्रिज से एक एप्पल निकालता है और फ्रिज को बंद करता है, जो कि दो बार में बंद होती है। एडम उसके घर में ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उस घर को बहुत अच्छे से जानता है। छोटा एडम ये सब देख के बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, कौन हो तुम? और कहता है कि तुम्हें मेरे डॉग का नाम कैसे पता है? फिर एडम उसे सारी कहानी बताता है, और छोटे एडम को ये समझते देर नहीं लगती कि ये एडम फ्यूचर से आया हुआ मेरा ही रूप है। ये सब समझने के बाद छोटा एडम बेहोश होने लग जाता है और उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं, क्योंकि उसे अस्थमा होता है। एडम उसकी जेब में पड़ा इनहेलर निकाल के उसके मुंह में लगाता है और सांस लेने के लिए कहता है। इसके बाद एडम छोटे एडम को लेके उसी जगह पे जाता है जहां पर उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। वहां पर जाकर जब वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो स्पेसशिप उसे चोट लगे होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसा कि छोटे एडम और एडम का दोनों का DNA सेम था, तो इसलिए एडम छोटे एडम से रिमोट चलाने के लिए कहता है, और छोटे एडम के हाथ लगाते ही स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्पेसशिप की हालत काफी खराब होती है, गोलियां लगने की वजह से उसके बहुत सारे पार्ट्स डैमेज हो गए होते हैं, इसलिए उसे रिपेयर होने में कुछ समय लगना था, और साथ ही साथ एडम के गोली के घाव को भी ठीक होना था, इसलिए एडम कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला करता है। फिर एडम छोटे एडम से कहता है, जल्दी से घर चले जाओ, हमारी माँ वापिस आती होगी, और जाते जाते लाइट बुझा जाना। ये कहकर वो अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और उसे देखने लग जाता है। असल में ये फोटो लौरा की होती है, जो एडम की वाइफ थी, जो माया की साजिश की शिकार हो गई थी और किसी दूसरे टाइम में चली गई थी। तभी एडम्स की माँ वहाँ आ जाती है और उसके पीछे पीछे डेरिक भी आ जाता है। डेरिक के हाथ में एक स्कार्फ होता है जो उसकी माँ को देने के लिए आया था। एडम्स उसका मजाक उड़ाता है और उसकी दाढ़ी को बकरे जैसी बताता है, जिससे उसकी माँ नाराज होती है
और कहती है, तुम कभी कभी अपनी हद पार कर देते हो। एडम्स की माँ अपने हस्बैंड रीड को याद करके रोने लग जाती है। गैराज की खिड़की से एडम्स उसे देखता है और दुखी होता है। अगली सुबह छोटा एडम अपनी माँ के जाने के बाद सीधा गैराज में जाता है, जहाँ पर एडम अपने घाव को साफ कर रहा होता है। एडम अपने डैड की जैकेट पहनता है और कुछ दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है। रास्ते में एडम उसे बताता है कि मुझे 2018 में जाना था, लेकिन मैं गलती से 2022 में चला आया, और जब तक स्पेसशिप रिपेयर नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। एडम दवाई लेने चला जाता है, तभी वहाँ वही दोनों लड़के आ जाते हैं जिसने छोटे एडम को मारा था, और फिर से उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एडम आ जाता है और उसमें से एक लड़के को पकड़कर समझाता है, और डर के मारे वो लड़का अपने पैंट में सुसु कर देता है। एडम उससे कहता है कि सच्चाई के मार्ग पे चलना, और यही कहकर छोड़ देता है। अगले सीन में एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसमें एडम्स की माँ आके बारटेंडर से कुछ बात कर रही होती है, और वहीं पे बैठा एडम ये सब सुन रहा होता है। एडम अपनी माँ से अजनबी बनकर बात करता है, और वो कहता है कि एडम आपसे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है, लेकिन उसके फादर की जैकेट जो उसने पहन रखी होती है उसे देखकर उसकी माँ उसे पहचान जाती है, और वो दौड़कर बाहर जाती है। जब तक कि वो बाहर पहुंचती तब तक एडम वहाँ से गायब हो चुका होता है। अगली सुबह जब दोनों एडम नाश्ता कर रहे होते हैं तो एडम उसे बताता है कि माया सुरेन और उसके डैड एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो किसी क्वांटम फिजिक्स पे आधारित था। वो कुछ टाइम ट्रेवल जैसा बना रहे थे, और उन्हीं के ये सब बनाने की वजह से आज ये सब हो रहा है, और समय के साथ साथ माया का लालच भी बढ़ता जा रहा है। वो बताता है कि लॉरा को ये सब सही करने के लिए 2018 में भेजा गया था, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आई, इसलिए मैं दोबारा 2018 में जाना चाहता था। तभी एडम्स को कुछ आहट सुनाई देती है। वो समझ जाता है कुछ तो बुरा होने वाला है। वो अपने बैग से एक बॉल उठाता है और शीशे की तरफ मारता है, और वो बॉल फट जाती है, और उसी बॉल के फटने के साथ साथ वहाँ पे आए दो रोबोट्स भी फट जाते हैं, और वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। तभी वहाँ सोरियन की सिक्योरिटी का हेड क्रिस्टो आ जाता है। एडम उसके बारे में कहता है कि ये पायलट अच्छा है लेकिन इंसान बहुत बुरा है। एडम क्रिस्टो से मजाक करते हुए कहता है, ये तुम्हारे चेहरे का भरता किसने बनाया, जिसे सुनकर क्रिस्टो बिल्कुल चिढ़ जाता है। इसी बीच माया एडम्स को बहकाने की कोशिश करती है, और स्पेसशिप की गन उसकी तरफ पॉइंट करवा देती है। तभी कहीं से गोली चलती है और स्पेसशिप में आके लगती है, और लॉरा की कमाल की एंट्री होती है। वो रोबोट्स को मारना शुरू कर देती है। एडम्स उसको देख के भौचक्का रह जाता है, और सेम यही हाल छोटे एडम्स का भी होता है। एडम के साथ लॉरा को देख के माया अपनी स्पेसशिप लेके वहां से भाग जाती है। एडम, लॉरा और छोटा एडम गाड़ी की तरफ भागते हैं, और गाड़ी में बैठकर जंगल के रास्ते भागने लग जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि स्पेसशिप से माया उनके पीछे थी। वो गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ देते हैं। माया उनके ऊपर फिर से रोबोट्स छोड़ देती है। किसी तरह रोबोट्स से बच के वो एक सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। सेफ हाउस में पहुंचकर लॉरा एडम को बताती है कि माया सुरेन ने पहले ही वक्त के साथ छेड़छाड़ की है। असल में 2018 में कोई स्पेसशिप भेजा ही नहीं गया, बल्कि लॉरा को 2022 में भेज दिया गया था, फ्यूचर के स्टॉक्स खरीदने और पॉलिटिकल रिकॉर्डों को खत्म करने के लिए। अब एडम को सब कुछ समझ में आने लग गया था। असल में 2018 में जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसी वक्त इस टाइम ट्रेवल मशीन का इन्वेंशन हुआ था, जो कि लुईस रीड ने किया था, यानी एडम्स के फादर ने। एडम सोचता है 2018 में जाकर अगर उस टाइम ट्रेवल मशीन को बनने ही ना दिया जाए तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा, और शायद उसके फादर भी उसके साथ रहें और लॉरा भी उसे छोड़कर ना जाए। लॉरा कहती है, मैंने बिल्कुल अकेले रहकर यहाँ पर तुम्हारा 4 साल इंतजार किया है। एडम ये सुनकर दुखी हो जाता है। तभी एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, और लॉरा को ये पता चल जाता है कि किसी को यहाँ का पता मिल गया है। वो अंदर जाके देखती है तो माया के आदमी सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देते हैं। वो एडम से गाड़ी लेके भाग जाने के लिए कहती है, और कहती है कि मैं इन्हें कुछ देर के लिए रोक लूंगी। जिस रास्ते से माया के आदमी आ रहे थे उस रास्ते में पहले ही लॉरा ने बम लगाए हुए थे। वो सिर्फ इंतजार करती है, और जैसे ही गाड़ी बम के नीचे आती है वो बटन दबा देती है। बूम करके एक धमाका होता है और गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटते ही उसमें से क्रिस्टो निकलता है। लॉरा उसे देख के कहती है कि सड़ी सी शक्ल वाले तो फिर से आ गया, ये कहकर अपनी गन चला देती है। तभी वहाँ माया की स्पेसशिप आ जाती है,
और लॉरा की तरफ गन पॉइंट कर देती है। उधर एडम और छोटा एडम दोनों स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं। अभी एडम का घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है, इस वजह से स्पेसशिप का रिमोट कंट्रोल उसका डीएनए मैच नहीं करता है। एडम छोटे एडम से कहता है कि स्पेसशिप को स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे डीएनए की जरूरत पड़ेगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो, और एडम स्पेसशिप स्टार्ट कर देता है और दोनों हवा में उड़ जाते हैं। जब दोनों एडम्स स्पेसशिप लेके भाग रहे होते हैं तो माया की नजर उन पर पड़ जाती है, वो उनका पीछा कर लेती है। तभी एडम को एक आइडिया सूझता है, वो घाटी में जाकर अपना इंजन बंद कर देता है और एक गुफा के अंदर अपनी शिप को घुसा देता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। और फिर वो छोटे एडम से कहता है, हमारे पास एक अटेम्प्ट और बचा है, अगर इसमें हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सके तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन छोटा एडम इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो लास्ट ट्राई करने के लिए फिर से हवा में आ जाते हैं। हवा में आते ही क्रिस्टो उन्हें देख लेता है और उनकी स्पेसशिप पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो स्पेसशिप को ज्यादा डैमेज कर पाए, वो वॉर्म होल को खोल के टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। अगला सीन 2018 में दिखाया जाता है, जहां दोनों एडम्स पहुंच चुके होते हैं। वो एक फिजिक्स क्लास में पहुंचते हैं जहां उनके फादर लुइस रीड क्लास ले रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं, इंजॉय योरसेल्फ, इट्स लेटर देन यू थिंक। वो कहते हैं कि ये कोट रोमन्स ने कही थी, लेकिन तभी पीछे बैठा एडम्स बोल पड़ता है। वो कहता है ये गाय लोम्बार्डो का लिखा हुआ कोट है, और तभी क्लास खत्म हो जाती है। लुइस रीड उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, एडम। छोटा एडम दौड़कर लुइस के गले लग जाता है और वो तीनों बाहर आते हैं। बाहर छोटा एडम से बताता है ये 2050 से आया है और इसे चोट लगी थी, इसने एक जेट चुराई है और ये मुझे भी अपने साथ लेके आया है, क्योंकि जेट मेरे बिना स्टार्ट नहीं हो रही थी। लुइस एडम को डांटने लग जाता है और बोलता ही जाता है। जब एडम देखता है कि लुइस बिल्कुल चुप नहीं हो रहा है तो वो उसके मुंह पे एक घूसा जड़ देता है। घूसा जड़ने के बाद प्रतिक्रिया में लुइस भी उसे एक घूसा मार देता है। लुइस कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ जो करोगे उसकी वजह से फ्यूचर चेंज हो सकता है। तब एडम कहता है कि ये चीजें मायने नहीं रखती, माया ने पहले ही टाइम को अल्टर कर दिया है। ये सुनकर लुइस को विश्वास नहीं होता है कि माया भी ऐसा कुछ कर सकती है। वहाँ से लुइस उन्हें एक मोटल में ले जाता है जहाँ पर उनकी बात होती है और एडम लुइस को अपना साथ देने के लिए कहता है, लेकिन लुइस उससे साफ इनकार कर देता है। वो कहता है ये सब हो चुका है और इसे चेंज करना मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, और ये कहकर लुइस वहाँ से निकल जाता है। और उधर माया भी 2018 में टाइम ट्रेवल करके आ चुकी होती है। वो 2018 की माया से ये बताती है कि एडम यहाँ पे आया हुआ है और वो सारा खेल बिगाड़ देना चाहता है। हालांकि 2018 की माया उससे परेशान होती है और उसकी हेल्प ना करने के लिए कहती है। उधर लुइस अपने घर एडम की माँ से एडम के बारे में बात करता है और कहता है कि ये जो गेम खेलता है, शायद मुझे इसे बनाना ही नहीं चाहिए था। वो वहाँ खेल रहे गेम की बात कर रहा होता है, लेकिन उसका इशारा टाइम ट्रेवल मशीन की तरफ होता है। अगले सीन में सरीन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एडम पहुँच चुके थे। छोटा एडम पूछता है कि हम इसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, तो एडम कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर है, और जिस समय ये बनाया गया है उस समय ये इतनी ज्यादा भरोसेमंद चीजें नहीं थी। एडम अपने खतरनाक खिलौनों का बैग निकालता है और छोटे एडम को दे देता है। लेकिन जब वो हेडक्वार्टर पहुंचता है तो देखता है कोई भी वहां पे नहीं होता। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ताल में जरूर काला है। एडम आगे बढ़ ही रहा होता है तभी उसे चारों तरफ से रोबोट्स घेर लेते हैं। रोबोट्स के घेरते ही छोटा एडम अपना ड्रोन लाके उनके ऊपर खड़ा कर देता है। कान में लगे माइक्रोफोन से एडम छोटे एडम को उन पर हमला करने के लिए कहता है। छोटा एडम उन पे हमला कर देता है, सारे रोबोट्स इधर उधर गिर जाते हैं। तभी एडम की तरफ दो कार आती हुई दिखाई देती है। एक कार को छोटा एडम अपने ड्रोन से हमला करके डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एक कार एडम की तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी लुइस रीड की कार आती है और उस कार को टक्कर मार के साइड कर देती है, जिससे एडम बाल बाल बच जाता है। कार का बोनट टूट गया होता है। लुइस एडम से कहता है ये तुम्हारी मॉम की कार है। एडम कहता है ये कार है नहीं, थी, अभी तो तुमने इसको बर्बाद कर दिया है। एडम कहता है डैड तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो लुइस कहता है तुम मेरे बिना इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हुए लुइस उसे बताता है कि वर्म होल खोलने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो मैंने अभी कहीं पे भी नहीं लिखा है, सिर्फ वो मेरे दिमाग में है और एक हार्ड ड्राइव में जो अंदर एक्सेलरेटर में लगी हुई है। हमें वो हार्ड ड्राइव हासिल करनी है। वो दोनों अंदर जाकर हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं। उधर बाहर छोटा एडम पकड़ा जाता है
और माया सुरेन उसे पकड़कर अंदर ले आती है और छोटे एडम के सर पे बंदूक पॉइंट करके ड्राइव लुइस से वापस मांगती है। लेकिन ड्राइव एडम के पास होती है और एडम उसे देना नहीं चाहता है। लुइस कहता है ड्राइव इसे दे दो, नहीं तो ये छोटे एडम को मार देगी। तभी एडम छोटे एडम को इशारा करता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी गन चल जाती है और मैग्नेटिक फील्ड खुल जाता है। चारों तरफ की लोहे की चीजें सब उसके अंदर जाने लग जाती हैं और उस जगह पे चिपकने लग जाती हैं। इवन माया की गन भी उसके हाथ से छूटकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चली जाती है और माया के आदमी जो कि रोबोट्स थे वो भी मैग्नेटिक फील्ड में चिपक जाते हैं। तभी वहाँ क्रिस्टो आ जाता है और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ एडम और क्रिस्टो के बीच जबरदस्त एक्शन फाइट होती है और माया क्रिस्टो से कहती है उसे ड्राइव वापस ले लो। तभी इमरजेंसी अलार्म चालू हो जाता है और वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी माया एक गन लेके उन लोगों के सामने आ जाती है और लुइस की तरफ गन पॉइंट करके कहती है मुझे ड्राइव वापस कर दो। लुइस दोनों एडम्स को अपने पीछे कर लेता है और कहता है तुम मेरे पीछे ही रहना। इस पर एडम उसे बताता है कि जिस गन से माया उसे मारने वाली है वो लोहे तक को चूरा बना देती है, तो हम अगर आपके पीछे रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। तभी 2018 वाली माया उनके राइट में जाके खड़ी हो जाती है। जैसे ही माया गोली चलाती है तो गोली स्टील की होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ जाती है और 2018 की माया को जाके लग जाती है, जिसकी वजह से माया मर जाती है। फिर लुइस कहता है कि मुझे ये चीजें पहले से पता थी क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तभी सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं उस जगह को डिस्ट्रॉय होने में और वो भागने लग जाते हैं। भागकर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ की हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले सीन में एक लेक्चर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एडम बैठ के पढ़ रहा होता है। तभी गेट से लौरा की एंट्री होती है और इस तरह से एडम लौरा से फिर मिल पाता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अपना सपोर्ट और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और सुनते रहिए VK Recaps। थैंक यू।